नमस्कार, आपका पावर ऑफ बुक्स चैनल में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं, वह शिव रचनात्रय की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है, जिसके रचनाकार अमीश त्रिपाठी और अनुवादक विश्वजीत सपन है। सती ने नींद से जगाने के लिए धीमे से चूमा तो शिव बुदबुदाया। उसने सती के मुख को अपने हाथों से बड़ी कोमलता से थामा। या तो मेरी आंखें मुझे भ्रम में डाल रही हैं, या फिर तुम सचमुच दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही हो। अपने पेट को सहलाते हुए सती मुस्कुराई। इतनी सुबह सुबह बातें बनाना छोड़ दो। फिर से उसे चूमते हुए शिव अपनी कोहनी के बल उठा। तो इसका आशय है कि अब से प्रशंसा करने का समय भी निश्चित समझा जाए। धीरे से सैया से उठती हुई सती हंस पड़ी। आप जाकर मुंह हाथ क्यों नहीं धो लेते? मैंने निवेदन किया है कि जलपान हमारे कक्ष में ही भेज दिया जाए। आहा, अंततः तुमने मेरे तरीकों को सीखना प्रारंभ कर ही दिया। शिव व्यवस्थित एवं शिष्टता से भोजन कक्ष में एकत्र हो भोजन करने से सदा ही घृणा करता था, जैसा कि सती को भाता था। जब शिव काशी के राजमहल में अपने कक्ष से संबंध आरामदायक स्नानागार में चला गया, तो सती बाहर की ओर देखने लगी। प्रसिद्ध मेखला मार्ग, जो पवित्र मार्ग भी कहलाता था, वहां से अस्पष्ट दिख रहा था। वह एक बहुत ही भव्य प्रेरणाप्रद दृश्य था। संकुलित भीड़ भरी काशी नगरी से भिन्न वह मार्ग काफी चौड़ा था, जिसमें 6 रथ एक साथ चल सकते थे। उस मार्ग के दोनों ओर वृक्षों का असाधारण प्राचुर्य था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां भारतीय उपमहाद्वीप की समस्त प्रकार की वनस्पतियों का अस्तित्व हो। उन वृक्षों के बाद अनेकानेक मंदिर बने हुए थे। वह मुख्य पथ कुछ कुछ अर्ध वलयाकार होता हुआ 30 किलोमीटर से भी अधिक लंबा था, लेकिन उनके किनारे पर मात्र पूजा स्थल ही बने हुए थे और किसी भी प्रकार के घर नहीं थे। चंद्रवंशियों को यह कहना बहुत भाता था कि काशी के इस पवित्र पथ पर लगभग सभी भारतीय ईश्वरों के आवास थे, और निसंदेह यह विश्वास एक सच्चाई पर आधारित था कि भारतीय 3 करोड़ से भी अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन कोई भी इस तथ्य को आसानी से कह सकता था कि सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के मंदिर इस पवित्र पथ पर स्थापित थे, और जो सबसे अधिक भव्य मंदिर था वह निसंदेह सबसे प्रशासित महान महादेव प्रभु रुद्र को समर्पित था। यही वह मंदिर था जिसे सती अपलक निहार रही थी। यह मंदिर ब्रह्मघाट के निकट निर्मित किया गया था। पौराणिक कथाओं में ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रभु रुद्र के जीवन काल में ही देवों ने उनके लिए मंदिर बनाने की योजना बना ली थी, और वे इसे 80 घाट के निकट बनाना चाहते थे, जो प्रभु रुद्र के न्याय प्रदान करने का स्थल था। लेकिन महान महादेव असुसंहारक ने आदेश दिया कि उनका कोई भी स्मारक 80 घाट के निकट न बनाया जाए। उनकी सर्वाधिक गहन पंक्तियाँ थी, यहाँ नहीं और कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। किसी को भी समझ नहीं आया कि ये आखिर ऐसा क्यों था, लेकिन फिर भी किसी ने भी प्रभु रुद्र से तर्क करने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसे विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। अचानक ही वहां आकर सती को आश्चर्यचकित करते हुए शिव ने कहा, इसका अर्थ होता है जगत का स्वामी। वे बहुत ही महान थे, सती फुसफुसाई। एक सच्चे ईश्वर। हाँ, प्रभु रुद्र को नमन करता हुआ शिव सहमत हुआ। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। राजा अतिथिक्व ने अच्छा किया जो हमें पिछली रात अकेला छोड़ दिया। 80 घाट पर उन आयोजनों के बाद हमें निश्चित ही विश्राम करने की आवश्यकता थी। हाँ, वे भले व्यक्ति प्रतीत होते हैं, लेकिन मुझे भय है कि वे आज आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले। मुझे लग रहा था कि उन्हें आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। शिव हंसा, लेकिन मुझे यह नगर पसंद है। जितना अधिक निहारता हूँ उतनी ही मुझे घर जैसी अनुभूति होती है। चलिए जलपान कर लेते हैं, सती ने कहा। मेरे विचार से हमें बहुत सारे कार्य करने हैं। विशेषकर तुम नहीं, कानिनी ने पूछा। क्या उन्होंने सचमुच ही ऐसा कहा? यही शब्द थे, आनंदमयी ने कहा। उन्होंने कहा कि वे किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, विशेषकर मुझे। कानिनी ने विशेषज्ञ की भांति पूर्ण यौवन वाला तेल आनंदमयी के सिर पर डालकर मालिश करते हुए कहा, इसका अर्थ है राजकुमारी, आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत को तोड़ने पर विवश कर देने वाली मात्र 2 ही महिलाएं हैं, या तो वो अप्सरा मेनका है या फिर आप। दो दैवीय अप्सरा से समानता करने पर आनंदमयी की भौहें तन गई।
मेरी क्षमा प्रार्थना आप स्वीकार करें देवी, कानिनी ने चहकते हुए कहा। आपकी तुलना में मेनका क्या है? लेकिन यह तो मेनका की चुनौती से कहीं अधिक कठिन चुनौती है राजकुमारी, कानिनी ने कहना जारी रखा। मुनि विश्वामित्र ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने प्रेम के आनंद का पूर्व में अनुभव किया था। मेनका को उन्हें मात्र याद दिलाना था, उनके लिए रचना नहीं करनी थी। दूसरी ओर सेनापति बाल ब्रह्मचारी हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन जब कोई वस्तु बहुत अधिक सुंदर हो तो उसे प्राप्त करना आसान नहीं होता है। क्या ऐसा हो सकता है? कानिनी ने अपनी आंखें संकुचित की। आप विजयश्री प्राप्त करने से पूर्व यूं निराश न हो राजकुमारी जी, आनंदमयी ने त्योरी चढ़ा ली। निसंदेह मैं नहीं हुई, कानिनी ने आनंदमयी को घूरा और मुस्कुराई। अस्पष्ट था, राजकुमारी का हृदय प्रेम से स्पंदित हो रहा था। उसने आशा की कि पर्वतेश्वर को अपने अच्छे भविष्य का भान समय रहते हो जाए। आपकी राजधानी बहुत ही सुंदर है महाराज, शिव ने कहा। सूर्य ने दिन की अपनी यात्रा का तीसरा हिस्सा तय कर लिया था। शिव काशी नरेश अतिथिव्य के व्यक्तिगत कक्ष में सती के साथ बैठा हुआ था। द्रपकु नंदी और वीरभद्र काशी के लठैत राजसी पहरेदारों के सहयोग में द्वार पर खड़े थे। द्रपकु के लिए यह रहस्यमय था कि ये लठैत पहरेदार कैसे राज परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं यदि कोई गंभीर हमला हो जाए तो। इस मध्य पर्वतेश्वर काशी के पुलिस प्रमुख के साथ यात्रा पर निकल गया था। वह राजमहल से काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता था, जिस मार्ग पर नीलकंठ की उस मंदिर तक जाने की योजना थी। इसकी संभावना थी कि नीलकंठ के दर्शन के लिए लगभग संपूर्ण नगर उस पवित्र मार्ग पर पंक्तिबद्ध होने वाला था, क्योंकि उनके आगमन पर केवल कुलीनों को ही 80 घाट पर उनसे मिलने का अवसर प्रदान किया गया था। वास्तव में यह आपका ही नगर है प्रभु, झुककर नमन करते हुए अतिथिव्य ने कहा। शिव की त्योरियां चढ़ गईं। भगवान रुद्र ने अपना अधिकतम समय काशी में ही बिताया था, जिसे वे अपनाया हुआ आवास कहते थे, अतिथिव्य ने व्याख्या की। पश्चिम में अपनी जन्मभूमि की ओर उनके प्रस्थान करने के बाद काशी के राज परिवार ने 80 घाट पर एक पूजा का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने व्यवहारिक तौर पर भगवान रुद्र एवं उनके उत्तराधिकारियों को हमेशा के लिए हमारा वास्तविक राजा मान लिया था। वैसे तो मेरा परिवार उस राज परिवार से भिन्न है जिन्होंने पूजा की थी, लेकिन उस प्रतिज्ञा का सम्मान हम आज तक कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। हम तो भगवान रुद्र के उत्तराधिकारियों के जन्माधिकार के मात्र रखवाले हैं। शिव धीरे धीरे असहज अनुभव कर रहा था। अब जब भगवान रुद्र के उत्तराधिकारी यहाँ हैं तो यह उचित समय है जब उन्हें सिंहासन ग्रहण कर लेना चाहिए, अतिथिव्य ने कहना जारी रखा। आपकी सेवा करने में मुझे गर्व होगा प्रभु, आश्चर्य एवं क्रोध के मिले जुले प्रभाव से शिव का लगभग दम घुटने लगा था। ये सभी लोग तो पागल हैं, नेक नियत हैं लेकिन पागल हैं। एक तो राजा बनने की मेरी कोई मंशा नहीं है महाराज, शिव मुस्कुराया। दूसरी बात यह है कि मैं निश्चित रूप से रुद्र से प्रभु रुद्र का उत्तराधिकारी कहलाने की योग्यता नहीं रखता हूँ। फिर भी आप एक अच्छे राजा हैं और मैं निवेदन करता हूँ कि आप प्रजा की सेवा करते रहें। लेकिन प्रभु, वैसे मैं कुछ निवेदन करने का इच्छुक अवश्य हूँ महाराज, शिव ने बीच में ही कहा। वह अपने राजसी पूर्ववृत्त पर चर्चा को जारी रखना नहीं चाहता था। आपके लिए कुछ भी स्वीकार है प्रभु। पहली बात यह है कि मेरी पत्नी और मैं यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म यहीं हो। हम इस दौरान आप पर अपने अतिथि सत्कार का भार डाल रहे हैं। प्रभु, मेरा पूरा राजमहल आपका है, देवी सती और आप सदैव के लिए यहाँ निवास कर सकते हैं। शिव धीरे से मुस्कुराया। नहीं, मैं नहीं समझता कि हम इतनी लंबी अवधि के लिए यहाँ रुकेंगे। साथ ही मैं आपके नगर में ब्रंगा के नेता से मिलना चाहता हूँ। उसका नाम दिवोदास है प्रभु, मैं निश्चित रूप से उसे आपकी सेवा में उपस्थित करूँगा। उस अभागे कबीले के किसी अन्य सदस्य से बात करना बेकार ही है। दिवोदास एकमात्र विवेकी या सक्षम है जो दूसरों से बातें कर सकता है। मेरा मानना है कि वह एक व्यापारी की यात्रा पर गया है और आज रात तक उसे वापस आ जाना चाहिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे आपके समक्ष शीघ्र उपस्थित किया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर एकत्रित भीड़ नियंत्रण से बाहर जा रही है द्रपकु, पर्वतेश्वर ने इशारे से बताया। पर्वतेश्वर पवित्र मार्ग पर बनी एक ऊंची वेदिका पर भगीरथ, द्रपकु और काशी पुलिस प्रमुख त्रात्या के साथ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीलकंठ की एक झलक पाने के लिए
काशीनगर के 2 लाख नागरिक वहां टूट पड़े थे। और खेद की बात यह थी कि काशी पुलिस उस भीड़ का प्रबंधन करने में अप्रशिक्षित प्रतीत हो रही थी। वे लोग इतने विनम्र थे कि लगता था कि गलतियां पुलिस वालों की हो। सामान्यतः उनका असर काशी के सभ्य नागरिकों पर ही काम करता था, लेकिन ऐसे अवसर पर जहां प्रत्येक व्यक्ति आगे आने और प्रभु को स्पर्श करने की होड़ में था, ऐसे में वहां सूर्यवंशियों जैसे दृढ़ हाथों की आवश्यकता थी। मैं इसे संभाल लूंगा सेनापति, द्रपकु ने नीचे प्रतीक्षा कर रहे नंदी को आदेश देने के लिए वेदिका से छलांग लगाते हुए कहा। लेकिन वह बल प्रयोग बिल्कुल न करें, त्रात्या ने कहा। वह जैसी परिस्थिति होगी उसी के अनुसार व्यवहार करेगा त्रात्या, पर्वतेश्वर ने चिढ़कर कहा। द्रपकु का आदेश सुनने के बाद नंदी एक पलटन के साथ उस दिशा में बढ़ गया। द्रपकु अपने कटे हुए हाथ के कुंदे का प्रयोग करते हुए आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ वेदिका पर पुनः चढ़ गया। कार्य हो गया सेनापति, द्रपकु ने कहा, भीड़ को पीछे ढकेल दिया जाएगा। पर्वतेश्वर ने सहमति में से हिलाया और शिव और उसके दल के सदस्यों को देखने के लिए मुड़ गया। भीड़ उनका नाम पुकार रही थी और शिव भीड़ में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। सती का हाथ पकड़े चौड़ी मुस्कान बिखेरते शिव धीरे धीरे टहलते हुए चले जा रहे थे। सती की सहचरी कृतिका सती से कुछ कदम पीछे थी, जबकि अधिथिग्व एक सच्चे भक्त की निष्ठा से अपने परिवार एवं मंत्रियों के संग पीछे पीछे चल रहे थे। नायक त्रात्या, काशी का एक हड़बड़ाया हुआ पुलिस वाला वेदिका के निकट चीखते हुए कूदा। त्रात्या ने उसकी ओर देखा। कहो कावस, भृंगाओं की बस्ती में दंगे आरंभ होने वाले हैं, मुझे बताओ वास्तव में क्या हुआ है? उन्होंने एक बार फिर से एक मोर की हत्या कर दी, लेकिन इस बार यह काम करते हुए उनके कुछ पड़ोसियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पाप का वे लोग प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं है। मैं नहीं जानता कि हमारे महाराज क्यों उन असभ्य मंदबुद्धियों को काशी में रहने का हट कर रहे हैं। आज नहीं तो कल नागरिकों का धैर्य चुकना ही था और उनके हाथों किसी न किसी घटना का होना तय ही था। क्या हुआ? पर्वतेश्वर ने पूछा। ये भृंगा वाले हैं, उन्हें पता है कि काशी में मोरों को मारना प्रतिबंधित है क्योंकि वे भगवान रुद्र के सबसे पसंदीदा पक्षियों में से एक हैं। एक व्यापक मान्यता है कि वे अपनी बस्ती में किसी विचित्र अनुष्ठान में मोर की बलि देते हैं। अब जब वे रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। आप अपने कुछ आदमियों को दंगे को समाप्त करने के लिए क्यों नहीं भेज देते? त्रात्या ने पर्वतेश्वर को विचित्र ढंग से देखा। कुछ बातें आप नहीं समझेंगे। हम काशी में सभी समुदायों को स्वीकार करते हैं, इस महान नगर को अपना घर मानकर सभी शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन भृंगा वाले जानबूझकर हम सबको क्रोधित करना चाहते हैं। यह दंगा वास्तव में अच्छे अंत के लिए एक बुरा मार्ग है, बस इसे हो जाने दें। पर्वतेश्वर उस पुलिस अधिकारी की बात सुनकर स्तब्ध था, जो कुछ समय पूर्व भी अहिंसा के गुणों का प्रचार कर रहा था। यदि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें आपके न्यायालय द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। आपके नागरिकों को दंगा करने और उन निर्दोषों को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है जिनका संभवतया उस पक्षी के प्राण लेने से कोई संबंध भी नहीं रहा हो। उनमें कुछ निर्दोष भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस नगर को भृंगा वालों एवं उनके अमंगलकारी तरीकों से मुक्ति मिल जाती है तो इतनी छोटी आहुति देने में कोई समस्या नहीं। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही कुछ करूंगा। यदि आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, पर्वतेश्वर ने चेतावनी दी। त्रात्या ने रोष से पर्वतेश्वर की ओर देखा और फिर नीलकंठ के अनुगामियों को देखने के लिए मुड़ गया। पर्वतेश्वर ने त्रात्या पर कठोर दृष्टि डाली। उसे निर्णय लेने में कुछ ही पल लगे। द्रपकु, आपको मेरा आदेश है, पर्वतेश्वर ने कहा। सुनिश्चित करें कि जैसे ही प्रभु विश्वनाथ मंदिर पहुंचे भीड़ छट जाए। राजकुमार भगीरथ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? मुझे सहायता की आवश्यकता होगी क्योंकि मैं चंद्रवंशी रीति रिवाजों को नहीं जानता। यह मेरे लिए गर्व की बात होगी सेनापति, भगीरथ ने कहा। यह आपका कार्य नहीं है, पहली बार त्रात्या ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। आपको हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, उनके पास सारे अधिकार हैं, भगीरथ ने बीच में टोककर ऐसे दर्प से कहा जो किसी राजवंशी के पास ही होता है। क्या आप प्रभु राम के शब्दों को भूल गए हैं? जब कोई पाप किया जा रहा हो तो उसे देखना और कुछ ना करना उतना ही बुरा है जितना कि वह पाप करना। सेनापति आपका ही कार्य करने जा रहे हैं, आपको तो उसके लिए कृतज्ञ ज्ञापित होना चाहिए। पर्वतेश्वर एवं भगीरथ कावस के साथ शीघ्रता से उस वेदिका से नीचे उतरे। उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया
कि वह 100 सैनिकों के साथ उनके पीछे आए और वे ब्रंगाओं की बस्ती की ओर तुरंत कूच कर गए। यह तो कठिन भी है और जटिल भी, भगीरथ ने कहा। शरणार्थियों द्वारा पूर्व दिशा से लाए गए प्रसिद्ध स्वर्णकोश ने इस विशेष क्षेत्र के भीड़ भरे भाग को बड़े बड़े निवास स्थलों में परिवर्तित कर दिया था। ब्रंगा लोग अत्यधिक अलंकृत और कलात्मक बूटों से उत्कीर्ण किए हुए बहुतलीय आवासों में रहते थे। पूरे काशी में विश्वनाथ मंदिर एवं राजमहल के अलावा कोई अन्य आवास उनसे बड़े नहीं थे। आवास के चारों ओर बाग बगीचे थे जो रुचिपूर्ण भूदृश्य वाले एवं रूढ़िवादी ढंग से एक समान थे। ये विचित्र रूप से लगभग मगध के नरसिंह मंदिर जैसे थे। प्रवेश द्वार पर एक पट्ट लगा हुआ था जो वहां के निवासियों की निष्ठा की गर्व से घोषणा करता था, ब्रंगा की सर्वाधिक दैवीय भूमि पर भगवान रुद्र कृपा करें। उस बार लगे बगान की सीमा के तत्काल बाद ही नगर की भीड़ भाड़ और अस्त व्यस्तता का प्रारंभ हो गया था। वे तंग रास्ते उस नगर की परिसर की ओर चले गए थे जहाँ अयोध्या, मगध, प्रयाग और चंद्रवंशी राज्य संघ के अन्य हिस्सों से आए शरणार्थियों की बहुलता थी। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते थे कि अपने ही देश की अत्यधिक अनुशासित जीवनशैली एवं अपने बच्चों को उस मायका में दिए जाने वाले भय से मेहुलावासी भी काशी में शरणार्थी बने हुए थे। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखने के आनंद के लिए वे चंद्रवंशी शैली की अव्यवस्था को झेल रहे थे। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यह उनकी प्रथाओं के प्रति क्रोध मात्र नहीं है। काशी के जनसाधारण एवं ब्रंगाओं की जीवन शैली के मूलभूत अंतर को समझते हुए वीरभद्र ने कहा, उनकी समृद्धि के प्रति ईर्ष्या ने भी ब्रंगा वालों के विरुद्ध इस घृणा को उत्पन्न किया होगा। पर्वतेश्वर परिस्थिति का आकलन कर रहा था। उसकी ओर मुड़ने से पहले भगीरथ ने सहमति में सिर हिलाया। आप क्या सोचते हैं सेनापति? सुरक्षात्मक दृष्टि से वह स्थल आपदाकारी था। ब्रंगा लोग एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई के समान घिरे हुए थे। चारों ओर लोग उनके प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत थे। भीड़ भाड़ भरी गलियों से होते हुए सघन जनसंख्या वाला यह क्षेत्र ब्रंगा वालों की इस बस्ती की ओर चला जाता था। वहां से निकलकर भागना असंभव ही था। उन संकरी गलियों में वे आसानी से घेरे जा सकते थे। वे बगान ब्रंगा वालों को कुछ सुरक्षा अवश्य प्रदान करते थे क्योंकि हमलावर भीड़ को ब्रंगा वालों के आवासों तक पहुंचने से पहले उस खुले स्थल पर अवश्य गुजरना पड़ता जिसमें कम से कम 1 मिनट का समय लग ही जाता था। संभवतया काशी में अपनी स्थिति का आकलन करते हुए भय के कारण ब्रंगा लोगों ने अपने अपने घरों की छतों पर पत्थरों के ढेर रखे हुए थे। उस ऊंचाई से फेंके जाने पर वे पत्थर प्रक्षेपात्रों की तरह कार्य करने और गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि यदि वे शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर लगे तो प्राणघातक भी सिद्ध हो सकते थे। इस बीच काशी की भीड़ ने उनके घिरे अहाते में कुत्ते छोड़ दिए जिन्हें ब्रंगा लोग गंदा मान घृणा करते थे। उन्हें पता था कि उन पशुओं को भगाने के लिए ब्रंगा वाले पत्थरों से वार करेंगे। पर्वतेश्वर ने अनुभव कर लिया था कि इस थकाऊ लड़ाई में मात्र कुछ ही समय की बात थी। ब्रंगा वालों के पत्थरों के ढेर समाप्त होने ही वाले थे और पत्थर समाप्त होते ही उन्हें सीधी लड़ाई करनी ही पड़ेगी। उनके शत्रु रसोई घर में काम आने वाले चाकू और कपड़े धोने वाले डंडों से लैस थे और साथ ही उनकी संख्या ब्रंगा वालों की तुलना में 1 पर 100 के बराबर थी। ऐसे में उनके बचने की संभावना बहुत ही कम थी। ये सब ब्रंगा वालों के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पर्वतेश्वर ने कहा। क्या काशी की भीड़ को मना सकते हैं? मैंने पहले ही प्रयास कर लिया है सेनापति जी, भगीरथ ने कहा। वे नहीं सुनेंगे। उनका मानना है कि ब्रंगा वाले अपने स्वर्ण के दम पर न्यायालय को खरीद लेंगे। संभवतया यह सच है, काशी का सेनापति कावस चुपके से अपना झुकाव प्रकट करते हुए बुदबुदाया। भगीरथ का आसव की ओर मुड़ा तो वह तत्काल ही डरकर घबरा गया क्योंकि काशी में भगीरथ का बहुत यश था। आप भीड़ से सहमत नहीं हैं, है ना, भगीरथ ने पूछा। कावस ने क्रुद्ध दृष्टि डाली। मैं ब्रंगा के लोगों से घृणा करता हूँ। वे नीच लोग हैं। वो अपना स्वर्ण फेंक सभी प्रकार के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इतना कहने के बाद कावस शांत हो गया। उसने दृष्टि नीचे की और फुसफुसाया। लेकिन क्या उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? क्या प्रभु रुद्र ने ऐसा किया होगा? नहीं राजकुमार, नहीं। तो फिर हमें इसका समाधान बताएं। उन्हें घेरे हुए काशी के क्रुद्ध नागरिकों की ओर से संकेत कर कावस ने कहा, यह झुंड तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक ब्रंगा वाले किसी न किसी प्रकार से दंडित नहीं किए जाएंगे। राजकुमार भगीरथ,
गंगा वालों को जीवित एवं सुरक्षित रखते हुए हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? मैं नहीं जानता। और यदि सूर्यवंशी उन पर आक्रमण कर दे तो? पर्वतेश्वर ने पूछा। इस प्रभावी लेकिन नैतिक रूप से विवादित समाधान पर वह स्वयं अस्तब्ध था। भगीरथ तत्काल मुस्कुराया, क्योंकि वह समझ चुका था कि पर्वतेश्वर का आशय क्या था। हम लोग काशी की लाठियों का प्रयोग करेंगे, ना कि अपने हथियारों का। हम लोग उन्हें केवल घायल करेंगे, जान से नहीं मारेंगे। बिल्कुल सही, पर्वतेश्वर ने कहा। भीड़ को न्याय मिल जाएगा और वे पीछे हट जाएंगे। ब्रंगा वाले घायल होंगे लेकिन जीवित रहेंगे। मैं जानता हूं यह पूर्णतया उचित नहीं है, लेकिन कभी कभी गंभीर गलती को रोकने के लिए एक छोटी गलती करना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। मुझे इसका पूरा उत्तरदायित्व लेना होगा और परमात्मा को उत्तर देना होगा। भगीरथ हल्के से मुस्कुराया। पर्वतेश्वर के चित्त में कुछ चंद्रवंशी शैलियां प्रवेश करने लगी थी। उसकी दृष्टि से छुपा नहीं था कि उसकी बड़ी बहन मेलुहा के सेनापति का अत्यधिक ध्यान रख रही थी। पर्वतेश्वर कावस की ओर मुड़ा। मुझे 100 लाठियों की आवश्यकता होगी। कावस के साथ भगीरथ पवित्र मार्ग की ओर दौड़ पड़ा। वे कुछ ही समय में वापस आ गए। इस बीच पर्वतेश्वर ने काशी की भीड़ से बात कर ली थी। उसने उन्हें यह वचन दिया था कि यदि वे अपने हथियार डाल देंगे तो उन्हें न्याय मिलेगा। वो सूर्यवंशियों के इस न्याय की आशा में प्रतीक्षा करने लगे। पर्वतेश्वर ने अपने सामने सूर्यवंशियों को एकत्र किया। मेलुहा वासियों, अपनी तलवार का प्रयोग मत करना, इन लाठियों का प्रयोग करो। उनके सिर छोड़ शरीर के अन्य भागों पर चोट करो। अपनी ढालों को सख्ती से कछुए की बनावट में रखो। उस ऊंचाई से पत्थर प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं। सूर्यवंशियों ने अपने सेनापति को एकटक देखा। यही एक तरीका है जिससे ब्रंगा वालों की जान बचाई जा सकती है, पर्वतेश्वर ने कहना जारी रखा। पर्वतेश्वर, भगीरथ और वीरभद्र के नेतृत्व में मेहुलावासी शीघ्रता से युद्ध की बनावट में आ गए। कावस को, जो इस प्रकार के व्यूह कौशल से अनभिज्ञ था, मध्य में रखा गया, जहां वह सबसे सुरक्षित था। जैसे ही सैनिकों ने ब्रंगा के बगान की ओर कूच किया तो पत्थरों की ओलावृष्टि होने लगी। अपनी ढालों से वे पूर्णतया सुरक्षित रहे और धीमे लेकिन निश्चित गति से वे उस भवन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते रहे। सहज रूप से प्रवेश द्वार बगान के मार्ग से भी अधिक संकरा था। कछुए की बनावट को यहाँ पर तोड़ना पड़ा। पर्वतेश्वर ने सैनिकों को दोहरी पंक्ति में भवन में प्रवेश करने का आदेश दिया। ढालों को बाएं एवं दाएं रखा गया ताकि हमले से बचाव हो सके। उसने सोचा था कि भवन के अंदर पत्थरों का प्रयोग नहीं हो सकता। यहीं पर अनुमान लगाने में भयंकर गलती हुई थी। कितनी सुंदर मूर्ति है, प्रभु रुद्र की विस्मयकारी लेकिन प्रेरणादायक मूर्ति को देख सती हल्के से कांप उठी। शिवम सती उस विशालकाय विश्वनाथ मंदिर में अभी अभी प्रविष्ट हुए थे। ब्रह्मा घाट से कुछ ही दूरी पर बना हुआ मंदिर बहुत भव्य था। वह न केवल 100 मीटर की विशालकाय ऊंचाई वाला था, बल्कि उस भवन की सरलता इतनी जबरदस्त थी कि अचंभित कर देती थी। प्रभु रुद्र की धरती वाली एक समान शैली में एक खुला उद्यान बना हुआ था, जिससे होकर पवित्र मार्ग से मंदिर को प्रवेश मिल रहा था। रक्त के रंग के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित वह संरचना आश्चर्यजनक रूप से सादी थी। उद्यान के एक सबसे दूर छोर से लगभग 20 मीटर ऊंचा विशाल काय वेदिका गगन चूम रही थी। उस पर अन्य मंदिरों से भिन्न कोई नक्काशी या अलंकरण नहीं था, जैसा कि शिव ने अब तक के मंदिरों में देखा। वेदिका पर ऊपर जाने के लिए 100 सीढ़ियां बनाई गई थी। जो भक्तगण वेदिका के ऊपर पहुंचेंगे वे मंदिर के शिखर को देखकर हैरान रह जाएंगे, जो पुनः लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था और असंभव्य 80 मीटर ऊंचा था। वेदिका के समान ही मुख्य मंदिर में भी कोई नक्काशी नहीं की गई थी। उस शिखर को स्थिर रखने के लिए 100 स्तंभ बनाए गए थे। अन्य मंदिरों से भिन्न पवित्र पुण्यागार केंद्र में था, न कि दूर एक छोर पर। उस पवित्र स्थान के अंदर ही एक मूर्ति थी जो पूरे भारत के भक्तगणों को आकर्षित करती थी, और वह मूर्ति थी दुर्जय प्रभु रुद्र की। पौराणिक गाथाओं में ऐसा वर्णन मिलता था कि प्रभु रुद्र अधिकतर अकेले ही कार्य किया करते थे। उनके कोई ज्ञात मित्र नहीं थे जिनकी कथाएं मंदिर के दीवारों पर भित्ति चित्रों के रूप में अमर की जाती। उनका कोई कृपा पात्र भक्त भी नहीं था जिसकी मूर्ति उनके चरणों पर बनाई जाती। प्रभु रुद्र की एकमात्र संगिनी जिसकी वे सुनते थे वह थी देवी मोहिनी। इसलिए कृतिका को यह कुछ जचा नहीं कि उस प्रसिद्ध सौंदर्य को मूर्ति स्वरूप गढ़ा नहीं गया था। देवी मोहिनी की मूर्ति यहाँ कैसे नहीं है? कृतिका अतिथि के एक सहायक से फुसफुसाकर बोली। आप प्रभु रुद्र की कहानी अच्छी तरह से जानती हैं।
उस सहायक ने उत्तर दिया, आए। वह कृतिका को उस पवित्र स्थल के दूसरी ओर ले गई। कृतिका को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उस पवित्र स्थल का एक और प्रवेश द्वार था जो कि पीछे की ओर से बना हुआ था। कोई भक्त उस प्रवेश द्वार से आता तो वह देवी मोहिनी की मूर्ति देख सकता था। ऐसा कहा जाता था कि देवी मोहिनी समस्त इतिहास की सबसे सुंदर स्त्री थी, जो वहाँ के एक सिंहासन पर विराजमान थी। उनकी सुंदर आँखें मोहक रूप से अधखुली ध्यान लगाए हुए सी थी, लेकिन कृतिका ने देख लिया था कि उनके हाथ में गुप्त रूप से एक चाकू इस तरह से छुपाया हुआ था जो पहली दृष्टि में किसी को दिखाई नहीं देता था। मोहिनी हमेशा ही उमंगी और घातक थी। कृतिका मुस्कुराई। यह उपयुक्त प्रतीत हो रहा था कि देवी मोहिनी एवं प्रभु रुद्र की मूर्तियाँ पीठ से पीठ सटाए हुई बनी हुई थी। उनके संबंध जटिलता के परिचायक थे, युगल होकर भी बहुत अधिक भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले। कृतिका ने देवी मोहिनी को साष्टांग प्रणाम किया, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें विष्णु के रूप में सम्मानित करने से इनकार कर दिया। लेकिन कृतिका उन अधिसंख्यों में से थी जो मानते थे कि देवी मोहिनी अच्छाई का प्रचारक उपाधि की सुपात्र हैं। पवित्र स्थल के दूसरी ओर शिव प्रभु रुद्र की प्रतिमा को टकटकी लगाए देख रहा था। प्रभु प्रभावशाली और असंभव्य रूप से सुडौल मांसपेशियों वाले थे। उनके रोएदार सीने पर एक लॉकेट लटका हुआ था। निकट से देखने पर शिव ने पाया कि वह शेर का पंजा था। सिंहासन के बगल में उनकी ढाल रखी हुई थी। उनकी तलवार भी सिंहासन पर ही एक ओर रखी हुई थी, जबकि प्रभु का हाथ उसकी मूठ पर था। स्पष्टतया शिल्पकार इस बात का महत्व दर्शाना चाहता था कि वैसे तो इतिहास के सबसे भयानक योद्धा ने हिंसा त्याग दी थी, लेकिन उनके बनाए नियमों को तोड़ने का साहस करने वालों को पाठ पढ़ाने के लिए उनकी तलवार उनके हाथ के निकट ही थी। शिल्पकार ने विश्वसनीय ढंग से प्रभु रुद्र के शरीर पर उन्हें सुशोभित करने वाले युद्ध के गर्वीले निशानों को उकेरा था। उनमें से एक निशान उनके मुख के आर पर उनकी दाईं कनपट्टी से लेकर उनके बाएं जबड़े तक चला गया था। प्रभु की लंबी दाढ़ी और मूछें थीं, जिनकी बहुत सी लटें बड़ी मेहनत से घुंघराली बनाई गई थी और उनमें मोती जड़े गए थे। भारत देश में अपनी दाढ़ी में मोती पहने हुए मैंने किसी को नहीं देखा है, शिव ने अतिथिगृह से कहा। प्रभु के जन्म स्थान परिहा के लोगों में यह प्रथा रही है प्रभु। परिहा? हाँ प्रभु, परियों की भूमि, भारत की पश्चिमी सीमा से बहुत दूर और हमारे महान हिमालय से भी बहुत दूर यह भूमि स्थित है। शिव प्रभु की प्रतिमा की ओर पुनः मुड़ गया। उस मंदिर में जो प्रबल भाव प्रदर्शित हो रहे थे वह भय के थे। किसी ईश्वर के लिए ऐसा भाव आना क्या गलत था? क्या सदैव प्रेम का भाव नहीं होना चाहिए? सम्मान या विस्मय? भय क्यों? क्योंकि कभी कभी भय के सिवाय मन को कुछ भी स्पष्ट या केंद्रित नहीं करता। प्रभु रुद्र को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भय का वातावरण बनाना था। शिव ने अपने मन में स्वर सुना। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वर दूर से आ रहा है, लेकिन निसंदेह वह स्पष्ट था। वह जानता था कि यह वासुदेव पंडित का स्वर था। आप कहाँ हैं पंडित जी? दृष्टि से ओझल हूँ प्रभु नीलकंठ, यहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हैं, मुझे आपसे बात करनी है। किसी शुभ काल में करेंगे मित्र, किंतु यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो अपने सर्वाधिक सिद्धांतवादी अनुयायी की हताश पुकार को आप क्यों नहीं सुन सकते? सर्वाधिक सिद्धांतवादी अनुयायी? स्वर मूक हो चुका था शिव पीछे मुड़ा चिंतित।